आरिन वरुकना इतबा आहू व आरिनल बातिला बातिन व इजतनाबाहू अल्लाह वबरक व तआला के दो खूबसूरत नाम अल मुइज़्ज़ु और अल मुज़िल्लु इनके बारे में हम बात करेंगे अल्मु इसका मतलब है इज़्ज़त देने वाला और अल्मु इसका मतलब है जिल्लत देने वाला यानी इज़्ज़त और जिल्लत अल्लाह ताला ही की तरफ़ से है जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे इंसान को अल्लाह ताला ने सब मखलूक में से इज़्ज़त वाला बनाया है और फिर इन में भी इज़्ज़त के एतबार से बेशुमार दर्जात हैं और सबसे ज्यादा इज्जत का दर्जा अल्लाह ताला के नजदीक मुत्तकी शख्स का है यानी जो गुनाहों से बचने वाला हो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक तुम सब में बाज्जत वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है ये आयत फते मक्का के मौका पर उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लम ने हजरत बिलाल को आजान का हुक्म दिया

और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुल वसल्लम को उन लोगों की तमाम गुफ्तु की इतला दी आप ने इन लोगों को बुलाकर पूछा कि तुम लोगों ने ये बात की तो उन्होंने इकरार कर लिया और कहा कि हाँ हमने ऐसा ही कहा था इसी पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह तला ने बताया कि फ़ख्र्ज़त की चीज़ सिर्फ ईमान और तकवा है जिससे तुम लोग खाली हो और हज़रत बिलल उससे आरास्ता हैं इसलिए वो तुम सब में अफजल हैं बिल्कुल इसी तरह मुसलमान होने की हैसियत से हमारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर अमल करने से है इस्लाम को छोड़ देने से नहीं आइए आपको एक इबरत अमोज वाक्य सुनाते हैं एक शख्स जो कि लंदन में रहता था किसी मुलाजमत की तलाश में था मुलाजमत के लिए एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया उस वक्त उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जो शख्स इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि यहाँ दाढ़ी के साथ काम करना मुश्किल है इसलिए तुम्हें ये दाढ़ी ख़त्म करना होगी अब यह शख्स बहुत परेशान हुआ कि मैं अपनी दाढ़ी ख़त्म करूं या ना करूँ खैर इस वक्त तो वह वापस चला गया और दो तीन रोज तक दूसरी जगहों पर मुलाजमत तलाश करता रहा दूसरी मुलाजमत मिल नहीं रही थी और ये बहुत बेरोजगार और परेशान था आखिर इसने फैसला किया कि चलो दाढ़ी कटवा ही देता हूं ताकि मुलाजमत तो मिल जाए उसने ऐसा ही किया और दाढ़ी को कटवा दिया और उसी जगह मुलाजमत के लिए पहुंच गया जब वहां पहुंचा तो अफसर ने पूछा कि कैसे आना हुआ इस शख्स ने जवाब दिया कि आपने कहा था कि दाढ़ी कटवा दो तो मुलाजमत मिल जाएगी इसलिए मैं दाढ़ी कटवा कर आ गया हूँ अफसर ने पूछा क्या तुम मुसलमान हो इस आदमी ने कहा हाँ अफसर ने पूछा क्या तुम दाढ़ी को जरूरी समझते थे या गैर जरूरी इस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसको जरूरी समझता था इसी वजह से रखी थी अफसर ने कहा जब तुम जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के तहत रखी थी फिर सिर्फ तुमने मेरे कहने की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अल्लाह ताला के वफादार नहीं और जो शख्स अल्लाह ताला का वफादार ना हो वो अपने अफसर का भी वफादार नहीं हो सकता लिहाजा अब मैं आपको मुलाजमत पर नहीं रख सकता इस तरह दुनिया भी गई और आखरत भी तबाह हो गई सिर्फ दाढ़ी ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला के जितने भी अहकाम इन में से किसी को ये सोच कर छोड़ देना कि लोग इसका मजाक उड़ाएंगे बाजाओकात ये दुनिया और आखरत दोनों की तबाही का सबब बन जाता है इसी तरह अल्लाह ताला ने औरतों की इज्जत हिजाब में रखी है हिजाब का हुक्म अल्लाह तला ने कर्न मजीद में नाजिल फरमाया और नबी करीम सल वसलम ने अहादीस में इसकी तफसील बयान फरमाई और अजवाज मतहरा और सहाबियात ने इस हुक्म पर अमल करके भी दिखाया लेकिन अहले मगरब और गैर मुसलमो ने अब ये परोपैगेंडा शुरू कर दिया है कि मुसलमानों ने तो औरतों के साथ बहुत जुलम किया उनको घरों में बंद कर दिया उनके चेहरों पर नकाब डाल दिया और उनको एक कार्टून बना के रख दिया तो क्या अब हम अहले मगरब गैर मुसलमों के इस मज़ाक के नतीजे में हम अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम को छोड़ देंगे हरगिज़ नहीं याद रखें जब हमारे दिलों में ये ईमान और अतमाद पैदा हो जाएगा कि हमने नबी करीम सल्लासम सल से जो तरीक़ा सीखा है वही तरीका बरहक है तो फिर हमें गैर मुसलिमों के तानों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाए ताने देता है तो दे जितने भी अम्बिया कराम इस दुनिया में तशरीफ लाए उन्होंने भी बहुत ताने सहे ये सारे ताने तो अम्बिया कराम को भी दिए गए और जब आप मोमिन हैं अम्बिया के वारिस हैं तो जिस तरह वरासत में दूसरी चीजें मिलती हैं ये ताने भी मिलेंगे तो अब इस वरासत से घबरा कर, नबी करीम वसल्लम के तरीक़ा को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना लोगों का तो काम है बातें करना किसी इंसान की इज़्ज़त लोगों की ज़ुबानों से बंदी नहीं होती कि वो ज़ुबान खोलेंगे और इज़्ज़त गिर जाएगी ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है अगर वो चाहे तो कोई रसुवा नहीं कर सकता इसलिए कभी भी मखलूक के सामने खुद को मत गिराएं, बल्कि खुद को अल्लाह ताला के सामने जितना गिराएंगे उतना ही रब करीम आपको इज़्ज़त से नवाजेंगे वमा अलैना व असलकम व वर्क